पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश में बिजनौर की नूरपुर विधानसभा और कैराना लोकसभा उपचुनाव के नतीजे में मिली जीत पर सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नूरपुर से गठबंधन प्रत्याशी नैमुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार अवनी सिंह को 5,662 मतों से हराया। गोरखपुर और फूलपुर के बाद कैराना और नूरपुर उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन की जीत ने भाजपा के खिलाफ राजनीतिक माहौल खड़ा कर दिया है। सपा जिलाध्यक्ष राजेश सिंगल ने कहा कि ये हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है। भाजपा ने केंद्र और प्रदेश की सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। अब जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है, फिर चाहे वो कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, किसानों की खस्ता हालत हो, भाजपा ने हर वर्ग को निराश किया है। भाजपा को कैराना और नूरपुर दोनों ही सीटों पर जीत की उम्मीद थी। यहां न सिर्फ सीएम योगी बल्कि उनके मंत्रिमंडल के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बाद भी भाजपा विपक्षी ताकत को नहीं भेद पाई थी। भाजपा का जीत का गणित रहा मुस्लिम वोटरों बिखराव भी इस बार काम नहीं आया। वहीं सपा बसपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने भी भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी। नूरपुर और कैराना की सम्मानित जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को गुमराह करके और धोखा देकर उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाई थी उनको आज ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकती है, जनता के कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं। जनता ने आज ये विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी में दिखाया है और जनता एक बार फिर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये संदेश इससे पहले गोरखपुर और फूलपुर की जनता ने भी दिखाया था, आज नूरपुर और कैराना की जनता ने भी दिखाया है और हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 2019 और 22 में भी जनता ये एक संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना चाहती है, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है, GST से त्रस्त हुई, नोटबंदी से त्रस्त हुई, तो जनता हमेशा जनता का विकास होना चाहिए, हमेशा विकास का मुद्दा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में पैदा किया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।